The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको कमजोरी, थकावट, फटीग, टायर्डनेस फील होती रह रही है, क्यों हो रही है, क्या कारण हो सकते हैं ऐसे जिसके वजह से आप बहुत कमजोर फील कर रहे हैं। आजकल पोस्ट कोरोना ये बहुत लोगों को हो रहा है। कई लोग सिर्फ ये मान के बैठे हैं कि भाई बीमारी के बाद ऐसा होता ही है, सो हमारा जो है समय के साथ ये ठीक होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली वो थोड़े से मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि इसके और भी कारण है जिसको ठीक करना उतना ही जरूरी है। और आज हम आपको बताएंगे इसके क्या कारण हो सकते हैं और आप कहां गलती कर रहे हैं। ऐसी गलतियों को आप ठीक करेंगे तभी आप रिकवर करेंगे, तभी आपके अंदर छुपे हुए कारण ठीक होंगे। नो मैटर आपको कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था, अगर आप कमजोरी फील करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर आप रिफाइंड कार्ब्स ज्यादा खा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, खासकर उन लोगों में जो बहुत ही ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है, तो वो नहीं देखते कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। बहुत ज्यादा शुगरी फूड, रिप्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड, बाहर का फूड, जंक फूड, बहुत सारे पिज्जा बर्गर जैसी चीजें जो होती हैं, बहुत रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, जितने भी बेकरी के मैदे से बने के प्रोडक्ट्स हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, अगर आप वो ज्यादा खा रहे हैं, अगर आप मीठी चीजें, आइसक्रीम्स, ऐसी चीजें, शेक्स हैं, ये ज्यादा खा रहे हैं, और तो आपके अंदर जो होता है इतनी सारी रिफाइंड शुगर जो है आपके इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक करती है और अल्टीमेटली आपको नींद दिला देती है आपके अंदर उस चीज के वजह से। ओवरऑल पूरे रिसर्च भी ये बताता है कि आपके मेटा, आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ड्रेन हो जाते, कम हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको डायबिटीज जैसी बीमारियां का भी रिस्क हो जाता है। सो दिस विल बेसिकली आपके ब्लड शुगर लेवल को अनस्टेबल कर देगा ये। सो यहां पर इशू होगा, कभी कभी आपको क्या होगा, एकदम से आपको नींद आएगी, एकदम बाद में भूख लगेगी, एकदम बाद में फिर दिक्कत होती है, सो नॉट गुड। सेकेंड बिग इशू इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। क्यों? सारे के सारे लोग बिजी हैं, किसी के पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, सबके पास में डेडलाइंस हैं, किसी के पास जॉब ही नहीं है, फिर भी वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सो दिस इज अ बैड लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपको अल्टीमेटली आदत ही नहीं है एक्सरसाइज की, आदत ही नहीं है एक्टिविटी की, तो बॉडी बिकम्स आपकी आपकी फटीग, वीक, एनर्जी लेस। इवन इफ आप घर का काम कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू नीड टू टेक आउट टाइम, आप बाहर जाके थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, आपको थोड़ा बहुत एक्टिव रहना जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हटाना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफस्टाइल में जितना एक्टिविटी आप डाल सकें वो आपके बॉडी के लिए, आपके लिटरली क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जैसी बीमारियों के लिए भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत बड़ा इलाज है। थर्ड बिग प्रॉब्लम इज नॉट गेटिंग इनफ क्वालिटी ऑफ स्लीप। सम पीपल दारू पी के सोते हैं, कुछ लोग बहुत लेट सोते हैं, कुछ लोग बस 5 घंटे सोते हैं, कुछ लोग सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, कुछ तो सोते ही नहीं है, कुछ सिर्फ दोपहर में सोते हैं। सो द बिग बिग इशू, इफ यू आर नॉट गेटिंग अ गुड क्वालिटी स्लीप, योर कॉर्टिसोल लेवल्स आर बैड, योर हाई, आपके बॉडी के अंदर रिकवरी रेट्स कम हो जाएंगे, आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज गॉन, आपके बेसिक जो बॉडी के एक्टिविटीज हैं वो सारे आपके जो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इट इंटरप्ट्स अ लॉट ऑफ इशूज, मेक्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है आपकी बॉडी के अंदर। स्लीप इज बहुत इंपॉर्टेंट, स्लीप, मोटे होने लग जाओगे, अजीबो गरीब टाइम पे भूख लगेगी, इट्स अ कॉमन एंड अ बिग इशू जिसके वजह से इशू हुआ। तो प्लीज अपने इटली आपके ब्रेन के लिए भी, बॉडी के लिए भी, माइंड के लिए, साइकोलॉजिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्लीप ऑन टाइम, और अच्छी 7 से 9 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए, कोशिश करिए 7 लीजिए। फोर्थ प्रॉब्लम इज कई लोगों को फूड पच नहीं है, खाने की सेंसिटिविटी, किसी को ग्लूटन से है, किसी को दूध से है, किसी को अंडे से, किसी को सोय से, किसी को कॉर्न से, किसी को पीनट से। अगर आप ऐसा कुछ खा लेते हैं तो आपका पेट जो है हमेशा अपसेट रहता है, डाइजेशन प्रॉब्लम आता है, अल्टीमेटली एनर्जी लेवल्स लो हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज पैदा होती हैं, इट्स अ बिग इशू। ज्यादातर लोगों को विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी आज के डेट में देखने को मिल रही है। सो वन बिग रीजन इज दिस, ठीक है। फिफ्थ रीजन इज कई लोग खाना ही नहीं खाते ज्यादा, पतले होना है, नॉट गेटिंग इनफ कैलोरीज। मैं तो बहुत 1000 कैलोरीज खाएंगे जी, 800 कैलोरीज खाएंगे जी, बहुत ही ज्यादा भूखे रहेंगे, इंटरमीडियंट फास्टिंग, 1 दिन तक फास्टिंग, 2 दिन तक फास्टिंग। इफ अगर आप खाना नहीं खाते हैं, लिटरली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ फास्टिंग, आई हैव वीडियोज फॉर दैट, प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ लोगों ने बोल दिया तो आप मान लोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप वीक फील कर रहे हैं, योर मे बी यू आर नॉट गेटिंग इनफ कैलोरीज, सो यू नीड टू हैव गुड कैलोरीज, यू नीड टू हैव लीन प्रोटीन, यू नीड टू हैव कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ये बहुत जरूरी है। एक कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे ज्यादा हेल्दी रहेंगे, रादर देन जस्ट कटिंग ऑफ योर कैलोरीज फॉर सो मेनी आवर्स। ऑलराइट, प्लस
ट्राई टू डोंट ट्राई टू यू नो ट्राई टू स्लीप इन द राइट टाइम. गलत टाइम पे थोड़ी बहुत नींद नैप्स ऐसे लेने से कई बार क्या होता है आप सही वक्त पे नहीं सो पाते. सो रॉन्ग टाइम नैप्स भी आप अवॉइड करें. ऑलराइट, दैट इज इंपॉर्टेंट. प्लस एक और प्रॉब्लम है, नॉट गेटिंग इनफ प्रोटीन्स. पीपल जो प्रोटीन्स नहीं लेते हैं अल्टीमेटली उनकी मसल लॉस होती है. चलोगे फिरोगे किससे? मसल से. तो मसल लॉस अगर आपकी हो जाएगी सो अल्टीमेटली आपके अंदर एनर्जी लेवल कम हो जाएगी. सो देर आर सो मेनी पीपल जो दिखने में बहुत मोटे हैं लेकिन उनका वजन कितना है 60-70-80 किलो. सो दैट मीन्स उनके अंदर प्रोटीन बहुत ही कम है. प्रोटीन यानी मसल मास बहुत ही कम है बिकॉज मसल इज 3 times हैवियर देन योर फैट. सो अगर आप दिखने में मोटे हैं वैसे वजन ज्यादा नहीं है, यू डोंट हैव मच प्रोटीन मच मसल मास. सो यू नीड टू एक्सरसाइज. आपको प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना पड़ेगा. प्रोटीन के लिए लीन प्रोटीन खाना है. लीन प्रोटीन पे डेडिकेटेड वीडियो है हमारा. हर मील में थोड़ा बहुत लीन प्रोटीन लेने की कोशिश करिए. नेक्स्ट रीजन जो है हाइड्रेशन. कई लोग हैं 1 liter, 1.5 liter प्यास लगती है तो पानी पीते, नहीं तो नहीं पीते. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. प्यास जब आपको लग रही है, प्यास लग रही है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो गई है. तो ऐसे स्टेज पे नहीं पहुंचना है. आपको 3-4 liter पानी अच्छे से पीना है. रिकमेंडेशन है 2.7 liters फॉर फीमेल्स, 3.7 liters फॉर मेल्स. और ये गर्मी के मौसम में 1-2 liter बढ़ जाता है बिकॉज आप बाहर रहते हो, आपको डिहाइड्रेशन, आपको पसीना आता है, आपको प्रॉब्लम्स होती हैं. आप पानी पियोगे तो ही ठीक होगा. सो हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है. एंड डू नॉट रिलाई ऑन एनर्जी ड्रिंक्स कि मैं तो चाय पी लेती हूँ, कॉफी पी लेती हूँ, ये पी लेती हूँ, तो अच्छा शुगरी ड्रिंक्स. क्योंकि इनके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, ये स्टिमुलेट कर देते हैं, आपको फील ओके हो जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम मेंटेन रहती है. तो हैविंग अ लॉट ऑफ कैफीन, अ लॉट ऑफ 2-4-6 glass कॉफी, 6 कप आपने, 6 कप आपने वो ले लिए तो दैट इज रॉन्ग. अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, 3-5 cups कॉफी या चाय पी रहे हैं पूरे दिन में, तो दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग. आपकी बॉडी के अंदर लिटरली वो डिहाइड्रेशन भी करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, जिटरीनेस कर देगा. सो अ लॉट ऑफ कैफीन कैन बी हार्मफुल. वो आप उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है कैफीन के ऊपर, आप वो देख सकते हैं. किसी भी पॉइंट पे अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो ढूंढना है तो वो टॉपिक का नाम बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करिए, आपको मिल जाएगा. और कैफीन या एनर्जी ड्रिंक ज्यादा लेने से भी अल्टीमेटली आपको वीकनेस फील होगी. जब भी उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा 4-6 घंटे बाद फिर से आपको वीकनेस फील हो जाएगी. जब तक आप उसका मूल कारण नहीं खत्म करते तब तक आपको प्रॉब्लम होगी. 10वां कारण आपका इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस. बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस लेते हो, बहुत स्ट्रेस लेते हो, इसके लिए भी स्ट्रेस का मतलब है चिंता. ये नहीं बोलना कि मुझे चिंता नहीं है, सबको चिंता होती है किसी ना किसी चीज की. इफ यू डोंट मैनेज योर स्ट्रेस, इफ यू डोंट, अगर आप उससे इनगल्फ हो जाते हो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी. अगर आप स्ट्रेस हैं कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेंगे, नींद अच्छी नहीं आएगी, आप खाना टाइम से नहीं खाओगे, अल्टीमेटली आपको एनर्जी कम महसूस होगी, फटीग फील होगा, वीकनेस फील होगी. सो इन सारे कारणों को आपको देखना बहुत जरूरी है. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.